नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण एंथनी, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट एंड रेनल ट्रांसप्लांट सर्जन, दिल्ली से। ये वीक है वर्ल्ड कॉन्टिनेंस अवेयरनेस वीक, जून 17 से जून 23 तक। इसलिए मैं बात करने वाला हूँ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मतलब पेशाब का आपके कंट्रोल के बिना लीक होना। ये कंडीशन जो है फीमेल्स में बहुत कॉमन होती है एज कम्पेयर टू मेल्स। फीमेल्स मतलब लेडीज़ में काफ़ी कॉमन होती है, लेकिन इंडिया में लेडीज़ इस प्रॉब्लम के साथ सामने नहीं आते, क्योंकि या तो उनको शर्म आती है, या इसको सोसाइटी में एक टैबू माना जाता है, या बहुत बड़ी फैमिलीज़ में काफ़ी सारे फीमेल्स को ये दिक्कत आती है, तो उनको लगता है शायद ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहूँगा। जो फर्स्ट टाइप है वो है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मतलब आपके खांसने पे, छींकने पे, सीढ़ियाँ चढ़ने पे या एक्सरसाइज करने पे पेशाब का लीक करना। ये यानी कि पेट पे जब जोर लगता है तो पेशेंट का यूरिन लीक करता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसमें पहला ट्रीटमेंट है लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी कि अगर आप एक मोटे या ओवरवेट कैटेगरी के व्यक्ति हैं तो आपका वेट रिडक्शन, और स्मोकिंग, ड्रिंकिंग में टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, इस तरह के सारे ड्रिंक्स आपको या तो बंद कर देने चाहिए या कम से कम करने चाहिए। इसके अलावा पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज, जिसको कीगल एक्सरसाइज भी बोला जाता है, इस पर बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब में, आप ये देख सकते हैं। इस तरह की एक्सरसाइज करने से भी इसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर 3 महीने ये सब करने के बावजूद भी आपको किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको सर्जरी की ज़रूरत है, जैसे कि स्लिंग सर्जरी या आर्टिफिशियल यूरिनरी स्फिंक्टर। हालांकि ये सर्जरीज बहुत सेफ होती हैं, लेकिन इसमें कई बार कुछ हल्की फुल्की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसको डिटेल में समझने के लिए आपको अपने यूरोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। दूसरे टाइप का इनकॉन्टिनेंस है अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस। इसमें पेशेंट को लगता है कि उनको पेशाब आ रहा है, भाग के बाथरूम जाना पड़ता है, और कई बार बाथरूम में पहुंचने से पहले ही पेशाब लीक कर जाता है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो है ब्लैडर ट्रेनिंग, और इसमें भी कीगल एक्सरसाइज या पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में। इसकी सबसे अच्छी बात है ये दवाइयों से और इन चीज़ों से काफ़ी हद तक वेरी वेल कंट्रोलेबल एंड ट्रीटेबल है। बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस रूल आउट कर देने चाहिए, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ब्लैडर का कैंसर, ब्लैडर में स्टोन्स, मेल्स में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, क्योंकि वो भी इस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। तीसरा टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस है मिक्स्ड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। ये तीन जो है ये सबसे कॉमन टाइप्स हैं। इसके अलावा जो थोड़े रेयर टाइप्स हैं वो है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, यानी पेशाब के थैले में पेशाब पूरी तरह भर जाना और उसके बाद लीक करना, या टोटल इनकॉन्टिनेंस, जैसे कि लेडीज में होता है वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला उसको बोलते हैं, जो या तो प्रोलॉन्ग लेबर या बच्चेदानी के ऑपरेशन के बाद, या कई बार अगर मान लो उनको कैंसर है सर्विक्स का तो इसके बाद होता है। सो बेसिकली मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूँ आज, वो ये है कि इंडिया में जितने भी फीमेल्स, या आप हो या आपके घर में कोई हो या आप किसी को जानते हो जिनको इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम है, तो उनको बताइए, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। बेझिझक होके आप कंसल्ट कीजिए यूरोलॉजिस्ट को, इसमें जो प्रॉब्लम है उसका आपको सोल्यूशन मिलेगा। और अगर आप मेरे को पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो आई वुड प्रेफर कि अभी कोविड के चलते हुए आप ऑनलाइन कंसल्टेशंस पे ज़्यादा ध्यान दें, तो आप प्रैक्टो पे जाके मेरा प्रोफाइल अरुण एंथनी पे जाके सर्च कीजिए, आप मेरे को ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर मुझे लगता है कि नहीं, आप मुझे आपको फिजिकली बुलाना है एक एग्जामिनेशन और टेस्ट के लिए, तो मैं आपको क्लिनिक या हॉस्पिटल पर बुला लूँगा। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।